स्वागत है आप सबका विस्टोकन गेमिंग में। और चलिए शुरू करते हैं पोकेमॉन फायर ब्लैक वर्जन। तो दोस्तों हम रेडी हैं हमारे नेक्स्ट जिम चैलेंज के लिए, और चलिए चलते हैं। पहले तो हम जिम करेंगे, बहुत पार्ट के बाद जिम मेडल होने जा रही है। और मुझे पता है मैं कहाँ गलती कर गया, हमें रूट 5 पे जाना चाहिए था और हम आ चुके हैं रूट, उल्टा घूम के आ गए हम। और ये गेम ऐसा है कि पता नहीं चलता, तो ठीक है गलती हो जाती है, पर कोई बात नहीं, ये तो जिम हम जीत जाएंगे। और हम सीधा फिर से सेरुलियन में जाएंगे रूट 5। अगर यहाँ पर कट इस्तेमाल करना पड़ा तो कट तो है ही नहीं मेरे पास, क्या ही कहने, मतलब पीछे जाना पड़ेगा वापस फिर से। यस कट इस्तेमाल करना पड़ेगा और कट है नहीं हमारे पास। ये पोपड़ हो गया हमारा, क्योंकि एक गलती हो गई मुझसे, मैं गलत रूट ले लिया। हमें रूट 5 से कंटिन्यू करना था और मैं यहाँ आ गया, मैं पहले राइट चला गया जो मुझे नहीं जाना चाहिए था। ओ नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। मैं जिम बैटल करना चाहता हूँ और यहाँ से निकलना चाहता हूँ। सॉरी अगर मैं थोड़ी जिम स्किप कर रहा हूँ, तो आई डोंट हैव अ चॉइस, क्योंकि बहुत देर के बाद जिम चैलेंज हो रहा है मेरा। और अगर रूट 2 में हमें फ्लाई मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा, जैसा कि ओरिजिनली होता है, साइकिलिंग रोड पे ही मिलता है। और ये हम स्किप करेंगे क्योंकि पढ़ तो नहीं सकते हम दोस्तों, तो सीधा बैटल चैम्पियन एरी का लेवल 42। अच्छा हुआ लेवल अप है हमारे, नहीं तो हमें तकलीफ हो जाती। ग्रास टाइप है तो हमारा फ्लाइंग टाइप इफेक्टिव रहेगा। 6-on-6 हमारे पास 5 है पोकेमॉन, साइकिक नॉट बैड, अच्छा है, कुछ यूज नहीं कर रहे वरना हमें तो तकलीफ हो जाती। ये जाएगा जरूर, उसके पास स्विंग अटैक है, नहीं तो हमारे कुछ खैर नहीं थी। वो शिफ्ट ट्री, ओ सेप्टाल, एक्सट्रीम स्पीड, लास्ट पोकेमॉन, लास्ट बट ऑन द लीस्ट। शायद हाइपर पोशन यूज करे अभी, नहीं किया। ओके थैंक यू। यहाँ पर इंडोर ये नहीं है इसलिए मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगा यहाँ से जा सकते हैं हम। पोकेमॉन अभी सेलोडॉन में आए तो टीम रॉकेट का मिशन तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर स्नोरलैक्स है, अगर इसने हमें एचएम दे दिया और हम फ्लाई कर पाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। अभी ये फ्लाई नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा फिर ये। ओके CS42 हुए, पहला HM मिला है हमें।
पंच तो चाहिए, तो आई भी चाहिए था। फ्लेम थ्रोअर सिखा पाए तो हम अभी तो, अरे बैच तो है हमारे पास, एक बैच कम है हमारे पास, तीन है, चार चाहिए थे। शिट मैन, चलो कोई नहीं, टीम रॉकेट का मिशन ही कर लेते हैं हम, और क्या ही कर लेंगे हम। और क्या ही कर लेंगे हम। अच्छा मैंने इसको यूज किया, पर क्या यूज किया क्या होगा, कंफ्यूज रहे। वाह यूज कर करके क्या क्या मैंने, कंफ्यूज रहे सबसे बढ़िया अटैक है वैसे। इस गेम में थंडर पंच फायर पंच कुछ काम के नहीं है वैसे। रॉकेट हाइड आउट का मिशन करना पड़ेगा, मुझे रॉकेट हाइड आउट से नफरत है सिर्फ, और कुछ नहीं। ऐसे ही लेवल 35 का पोकेमोन यूज करना, नीचे भी मैं तो कहता हूँ 20 लेवल का यूज करना। ऐसा फंक्शन होना चाहिए ना गेम में, अगर आपको कोई मिशन बोर लगे तो उसकी लेवल ही कम कर दो, मतलब वो सिर्फ वहाँ पे कम लेवल के पोकेमोन यूज करेंगे। जैसे इस मिशन में टीम रॉकेट फॉर एग्जांपल, ये बैटल नहीं कर रहा था, हम क्यों करें भाई। ये तो करेगा ही, वाह फ्रीज, ये अच्छा हुआ। काश मैं क्रॉस कर पाता, बट ये व्हाट्स दैट वाज टू मच टू आस्क। अरे यार नहीं यार, विंग अटैक नहीं, ठीक है चला गया हमारा, ठीक है। और ये भी गया, कौन सा है
पागल। यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे क्या मिला पता नहीं, पर कुछ तो मिला है। काट के लिखी तो सबसे बात करनी पड़ेगी, ये मैं भूल ही गया। शिट मैन, और ये ऐसे भी इसके बाद नहीं हटेंगे। ठीक है, हमारे पास वाटर टैंक नहीं है ना, वाटर टैंक ढूंढना पड़ेगा हमें। पॉइजन पाउडर, लग गए। इट्स सुपर इफेक्टिव। ओके, मतलब यहाँ पे यही है। अरे पर अगर हमारे पास पार्क ही नहीं तो हम जाएंगे कैसे आगे? ओके, यहाँ से we have to find a card key. बच गए, बच गए। अरे यार, यहाँ पर टीएम मिल रहे हैं हमें।
गेम चाहिए किसे। तो दोस्तों आज के पार्ट के लिए हम यही रुक जाएंगे, अगले पार्ट से हम यही से कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।